मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके बहुत सारे व्हाट्सएप और इनबॉक्स मैसेज भी आ रहे हैं और एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह वेरी सून। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ विच इज़ कॉल्ड एंग्री स्नूकर प्लेयर या एंग्री प्लेयर। मैं चूँकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को भी पढ़ता हूँ उसके ऊपर भी काम करते हैं हम प्लेयर की और उसके लेवल के हिसाब से उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच भी प्रोवाइड करनी होती है, ये बेसिकली उसी चीज़ का हिस्सा है। अब होता यह है कि हमारे आप लोग या हम जब भी बीइंग जूनियर प्लेयर और किसी के साथ भी हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है कि कई दफ़ा गेम खेलते हुए इंसान गुस्से में चला जाता है। अब गुस्सा किस चीज़ पर आता है? बहुत सी चीज़ों पे आता है। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई होती है और आपने लेट्स सपोज कोई एक शॉट रखी हुई थी जहन में कि मैं ये गलती नहीं करूँगा, ये नहीं होगा, वही गलती हो जाती है और मेंटली क्या होता है कि आप फौरन ही उसमें डाउन चले जाते हैं और गुस्सा अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो गया यार, शिट यार, मैं ये, मैं वो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस किस्म की चीज़ें आपके दिमाग में चलनी शुरू कर देती हैं, जिससे नुकसान क्या होता है कि आपकी गेम जो है वो एक साइड पे हो जाती है और आपके माइंड के ऊपर आपका गुस्सा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगली गेम जो हो रही होती है, जो मैच चल रहा होता है, उससे आउट होते होते मेंटली तौर पे वो मैच लूज कर देते हैं या एटलीस्ट वो फ्रेम लूज कर देते हैं। उसके अलावा गुस्से की क्या किस्म हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपका अपोनेंट अगर जो दो तीन शॉट्स मार रहा और खेल चुका है, अच्छी खेल चुका है और आपको हो रहा है कि यार ये क्यों खेल रहा है, इतनी अच्छी शॉट्स ये पहले तो कभी नहीं खेला, ये क्यों खेल रहा है, मैं इससे ज़्यादा अच्छी खेलूंगा, उसने एक दो फैंसी शॉट्स खेल दी तो आपने चार नहीं छः फैंसी शॉट्स खेल दी और वो नहीं हुई तो आपको फिर गुस्सा आ गया अपने ओपोनेंट पे भी, अपनी गेम पे भी और अपने बॉल पे भी। और गुस्से की क्या रीज़न हो सकती है कि क्राउड, आप किसी दूसरी क्लब में दूसरे इन्वायरमेंट में जाके बैठे हैं जहाँ पे उस क्लब का प्लेयर खेल रहा है और आप किसी बाहर के क्लब से हैं, उन्होंने सपोर्ट किया उस प्लेयर को और तालियां बजाई उसके लिए और आपने कहा यार ये क्या है, मेरी शॉट के ऊपर ये तारीफ नहीं कर रहे और इसकी शॉट के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर गुस्से वाली वो पोजिशन शामिल होगी। देखिए अच्छा, ये एक मिसाल नहीं है, इस किस्म की मैं आपको काफ़ी मिसालें दे सकता हूँ। आप टेबल आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको गुस्सा आ गया यार ये क्या यार, ये टेबल चल नहीं रहा, ये है नमी ज़्यादा है, ये देखो इन्होंने इस्त्री नहीं किया, ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें गुस्सा ऐड होके आपका बेसिकली एक गुस्सा आपको एक एक्सक्यूज बन जाता है आपके माइंड में, आपको गेम हारने में या मैच हारने के लिए कि मैं ठीक है यार नहीं तो वहाँ से चलेगा, एंड दैट्स वहाँ पे आप अपने आप को हरा देते हैं, वहाँ पे आप क्विट कर जाते हैं, गेम अभी चल रही होती है लेकिन आप मेंटली तौर पे हार चुके होते हैं जिसकी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए गुस्से के हवाले से आपको पता है कि पहली चीज़ तो ये कि गुस्सा वैसे इस्लाम में भी हराम है और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने ऊपर तारीख कर लें तो आप बेसिकली अपने आप को सजा दे रहे होते हैं। मतलब तो मैं इसमें ये कहूँगा कि एक बड़े मज़े की इंग्लिश की कहावत है लेकिन मैं उसको उर्दू में बताऊँगा कि आप गुस्सा जब करते हैं तो अपने आप को सजा दे रहे होते हैं किसी और की गलती के ऊपर। तो ये आप डेली लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो क्या इस चीज़ की, इस बात की इतनी अहमियत है कि मैं अपने आप को सजा दूँ इस शख्स की गलती पे? तो इसको थोड़ा सा आपने सोचना है, अपनी गेम के ऊपर अप्लाई करना है। नेक्स्ट टाइम जब आपने जाना है स्नूकर में तो मेक श्योर करना है कि आपने रिलैक्स रहना है, कोशिश करनी है रिलैक्स रहने की, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई नो प्रेशर होता है, हम भी कहते हैं मैचेस टूर्नामेंट हर एक पे आता है, कोई दुनिया का जितना बड़ा नाम ले ले प्लेयर्स का सब पे आता है, सब सिर्फ जीतता कौन है जो उस वक्त उस फ्रेम में उस गेम में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। तो आपने मेक श्योर करना है, देखें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, किसी भी खैर जिंदगी में ही गुस्सा हराम है और आपके लिए नाकामी का बायस बनता है, बेश आप देख लें अपनी लाइफ को अगर रिव्यू करके तो पिछली कितनी ज़िंदगी में हमने गुस्से से कितने ऐसे काम किए हैं जो कि हमें आगे 5 साल 10 साल तक या उसके बाद भी नुकसान में देते रहे और आज भी दे रहे हैं। बैड डिसीजन गुस्से में किया हुआ बहुत सी चीज़ें है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बॉक्सिंग एक मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बॉक्सिंग में भी हैं और उनसे मैंने बात की तो एक बड़ी मज़े की आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉक्सिंग में हालांकि हमें देखने में वो मार कुटाई वाली गेम लगती है या कराटे में मार कुटाई की गेम लगती है लेकिन उसमें कहा जाता है कि अगर जो आपको गुस्सा आ जाए तो आप मैच हार जाते हैं, आप गेम हार जाते हैं।
सो यू कैन इमेजिन कि उसमें भी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, दूसरे को हिटिंग कर रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को काबू में रखा हुआ है, जो नहीं रख सकता वो हारेगा। सो हाउ कम जो स्नूकर एक है ही डेलिकेट गेम, जो है ही सॉफ्ट थिंकिंग गेम, जिसके ऊपर आपने अपने इमोशंस के साथ ही खेलना है। फिजिकल अप्रोच तो है ही है, लेकिन मेंटल अप्रोच भी उतना ही बेस करती है, बल्कि ज़्यादा बेस करती है आपकी गेम में कि आप क्या करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम अपने अपोनेंट पे, टेबल के ऊपर, बॉल्स के ऊपर, लाइट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, क्राउड के ऊपर गुस्सा नहीं करना। हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम, ये ऐसी स्पोर्ट है इसमें एक जीतेगा एक हारेगा, इम्पॉसिबल है। चाहे कहीं जहाँ मर्जी खेलें आप, चाहे इंटरनेशनल टेबल पर खेलें या एक बहुत ही वर्स्ट किसी गांव में घटिया से टेबल लगे हुए पर खेलें, तब भी एक जीतेगा एक हारेगा। सो आपने इस अप्रोच पे रखना है कि बस मैंने टेबल पे या किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं करना, ठीक है। ये एक आज का लेसन बड़ा इम्पोर्टेंट था, प्रैक्टिस करते हुए गुस्सा मत करें कि यार ये प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही। ये बेसिकली आपकी नर्व्स का, आपके फोकस का टेस्ट होता है कि आपने क्या करना। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लब में जाएंगे या इवन फ्रेंडली गेम्स खेलते हुए, इवन फ्रेंडली मैच खेलते हुए, रिलैक्स रहें मेंटली तौर पे अपने आप को, कोई बात नहीं, नहीं किया बॉल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्ड नहीं किया टेबल ने, ओके। ये कोई तरीका नहीं है कि ओ शिट यार, ओ ये यार। मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं एक दो जिनको बड़ी मुश्किल से मैंने, यंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना मैच हार दिया गुस्से की वजह से, हालांकि मैं उनको मेंटोरिंग करता रहा, समझाता रहा कि सब कुछ कर लेना लेकिन गुस्सा ना करना। लेकिन जैसे ही क्रूशल मैच आया और उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया कि गेम हार गए और ये करके लगाया नया फ्रेम लगाया, व्हाट इज दिस यार। एक तो ये एटिकेट्स के भी खिलाफ है, और दूसरी बात ये कि आप क्या कर रहे हैं, आप गेम से आउट हो गए, यानी कि आप जाना चाह रहे हैं, रीना छोड़ के चलो यार, छोड़ दो यार। दिस इज हाइट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाइट ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि स्टुपिडिटी है कि आप ये इस किस्म की गलतियाँ करें और इस तरीके से करें, या बॉल्स ऐसे निकाल के ऐसे मारने जोर से, ओके यार लगाओ यार, नेक्स्ट फ्रेंड लगाओ यार, ये करो वो करो। दिस इज नॉट अ स्नूकर प्लेयर। स्नूकर प्लेयर एक जेंटलमैन गेम है, उसको जेंटलमैन की तरह खेलें, अपोनेंट को अप्रिशिएट करें, और ब्रेक बना रहा है चुप करके खड़े हों, रिलैक्स करें, उसे की क्या बात है यार। आप भी तो जब ब्रेक बना रहे होते हैं, आप भी डाल रहे होते हैं 30, 40, 50, 100, whatever, दूसरा अपोनेंट बैठा होता है आपका, प्रोफेशनल्स को देखते हैं कितनी तमीज से वो बेस्ट ऑफ 19 के फ्रेम 10-0 हार के चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए हाथ मिलाते हैं और रिलैक्स होके जाते हैं, बजाय इसके कि वो कुर्सियां तोड़ते हुए जाएं, ग्लास तोड़ते हुए जाएं। दिस इज हाइट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्नूकर ऐसी नहीं है। आज इस टॉपिक को लेने का मकसद यही था कि मैंने बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं लाइफ में, अपने इवन स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, अब जाके थोड़े बहुत वो स्टडी हुए, उनको बताया गया, उनको समझ आया, लेकिन क्या वो क्रूशल मैचेस हारने के बाद, हालांकि ये बात उनको पहले भी बताई गई होती है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली उनके सामने वैसी सिचुएशन नहीं आती, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी गेम में आगे बढ़ने से रुकावट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा आपका गुस्सा। और जो जो शख्स मेरी इस बात को, आज की बात को समझ लेगा और आगे स्प्रेड करेगा अपने क्लब में अपने दोस्तों को, वो मजीद अपने आप को कूल होता जाएगा, कॉम होता जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इतनी बात काफ़ी है, फिर कोई और जहन में बात आई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगा। आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश करना है रिलैक्स हों, गेम की रिस्पेक्ट करें, अपोनेंट की रिस्पेक्ट करें, टेबल की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एवरीबॉडी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी योर एल्डर्स एवरीबॉडी, और बिहेव करें अपने क्लब, और कोशिश करें कि सिगरेट को छोड़ें, क्योंकि ये भी ऐसा ऐसा डिप्रेस करता है आपको, प्रॉब्लम देता है आपको, ये लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो दैट्स इट जी, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कीप वर्किंग ऑन योर एटीट्यूड, कीप वर्किंग ऑन योर टेम्परामेंट, और इंशाल्लाह गेम आपकी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों के ऊपर, स्पून के ऊपर खड़ी होके और आपको सपोर्ट देगी, और आपकी गेम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट्स अ श्योर प्रोसेस, अगर जो आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।